कांग्रेस में भी इनफाइट तो कुछ कम नहीं है खड़गे सर, आपके यहाँ राजस्थान में क्या हुआ 5 साल, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत रहा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव रहा, मध्य प्रदेश में भी किस तरह का वार्तालाप हुआ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये छिपा नहीं, हम तो डेमोक्रेटिकली जो जहीं भी डिफरेंसेस रहते हैं किसी भी स्टेट में बुलाते हैं, समझाते हैं, बिठा के बात करते हैं। अगर कोई नहीं सुना तो देखो भाई हमने बोलने का बोला, अगर आप नहीं सुने दूसरे को लाते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये हिम्मत मोदी साहब के पास है। मोदी बोलेंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही करता हूँ, और वो वैसा किए भी उन्होंने, कि उन्होंने कोई MLA की बात नहीं सुनी या मीटिंग बुलाकर किससे पूछा भी नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, हरियाणा चीफ मिनिस्टर कौन बनना, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। हमारे पार्टी में 30-35 साल रहा वो अपना आसाम का हिमंता बिश्वा, उसको तुम्हारे पार्टी में तो वो काम नहीं किए थे, कांग्रेस में ही थे, लेकिन आपने एकदम उठा के उनको तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बना। ऐसे हर जगह तुमने, तो ये कांग्रेस से ही लोग क्यों जाते हैं उधर, सिंधिया चले गए, हेमंता चले गए, सुष्मिता देव चली गई। देखिए जो लोग डरते हैं वो जाते हैं, जो लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड रहते हैं, जिनको नेहरू की आइडियोलॉजी पसंद है या उस राह पे चलने का उनका इरादा है, ऐसे लोग नहीं जाते। जो गांधीवाद के ऊपर चलना चाहते हैं या देश को मजबूत बनाने के लिए, जो सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं और देश को एक रखना, ये जो जिनके एक जुनून है, वैसे लोग कभी नहीं जाते। ये कौन जाते हैं घबरा के, जिसके पास प्रॉपर्टी है, किसी का कहीं ED में अगर मैं भी सपोर्ट जाता हूँ, और उनको धमकाते हैं ये लोग। बहुत से लोगों को उन्होंने धमका के लिया, डरा के लिया, वो पाप बेचारे हमारे पास तो वो कलंकित हो जाते हैं, उनके पास जाने के बाद क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि शाह साहब ने ऐसी बड़ी एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, उसमें डाल दिए, सब क्लीन हो जाते हैं उनके लोग। हमारे के पास आने के पहले जो थे वो कलंकित थे, उनके पास जाने के बाद वो सफ़ेद ड्राई क्लीन में डालने के बाद कैसा होता वैसा। तो ये है, जिन लोगों को आप ही ने कहा था एक इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं, इनको ED में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, किसी को बोला कि ये अपना इनकम टैक्स छुपाया, फिर वो आपके पास कैसा बच गया अभी, अब तक उनके ऊपर केस क्यों नहीं है। और कईयों लोग जो आपके पीछे हैं, साथ हैं, उनके कईयों केसेस हैं, फिर उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप। आज आके किसी को डराना, अगर वहाँ उनको MLAs कम हैं, अब उदाहरण के तौर पर हमारे मध्य प्रदेश का सरकार चोरी हो गई, 15-16 लोगों को उन्हें किडनैप करके लेके गए, हमारी सरकार गिर गई, लेकिन लोगों ने हमको वोट दिया था, लोग हमको सत्ता के ऊपर लाने की पूरी कोशिश करके बिठाई थी, लेकिन उसको कौन तोड़ फोड़ करे, मोदी साहब तोड़ फोड़ करे, उनके इशारे के बगैर कुछ नहीं होता, वो कर दिए। कर्नाटक में भी पहले वैसे ही किए थे, गोवा में किए, मध्य अपने उत्तराखंड में किए, हर जगह तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, जहाँ उनको मेजॉरिटी नहीं मिलता तो किसी न किसी या डराने का, धमकाने का, या किसी और ढंग से उनको अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं, वो वैसा ही करके आए हैं।